शनिवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष इस्माइल खान की अध्यक्षता में चौथे दिन छह अन्य संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। छह अन्य संगठन भारतीय किसान यूनियन, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य महिला प्रकोष्ठ और पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने किया। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का समर्थन विद्युत के निजीकरण का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रिजेश त्रिपाठी और सदस्य रबैका मसीहा और विनीता सिंह ने कहा, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला हम लोगों को और इसी तरह रहेगा तो हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और अपनी निजीकरण को जो है इनको वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार निजीकरण वापस नहीं लेती है तो हम मजबूर हो जाएंगे इनको फैसला बदलने के लिए कि आपको निजीकरण वापस लेना ही होगा, लेना पड़ेगा। एक ही मांग है, जो भी निजीकरण किया जा रहा है जनता को गुमराह करके शासन ये कर रही है, सरकार जो भी है सरकार ये कर रही है कि घाटे बजा रही है और इसको हम घाटे से उबारने के लिए जनता को बेहतर बिजली देने के लिए निजीकरण करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो भी 24 घंटे देने की घोषणा थी वो दिया जा रहा है, 18 घंटा रूलर में देने की घोषणा थी वो दिया जा रहा है। आपने सरकार बनाया एक साल हो गया, आपने जो भी हमारा विभाग में आपने टारगेट दिया वो मैं पूरा कर रहा हूँ, चाहे रेन्यू का मामला हो चाहे विद्युत व्यवस्था सुधारने का मामला हो, हम लोग नियंत्रण कम संसाधन में सभी कर्मचारी और अधिकारीगण मिलकर इस योजना को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आप किस तरह का निजीकरण और बिजली व्यवस्था सुधारना कर चाहते हैं? अभी कौन कौन सी संगठन आपके समर्थन है? संगठन अभी एक शिक्षक संघ आ गई है, माध्यमिक शिक्षक संघ हम समर्थन दिया हुआ है, फिर रेलवे के कुछ संगठन ने हमको समर्थन दिया है, फिर से अपन डिप्लोमा इंजीनियरिंग वर्ग महासंघ आज समर्थन हमको देने के लिए तैयार है, आएंगी यहाँ पर समर्थन देंगी, फिर किसान यूनियन हमको समर्थन दिया हुआ है, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासंघ भी समर्थन दिया हुआ है और सभी संगठनों से वार्ता चल रही है, वो कहे कि हम आपके आंदोलन में सहभागिता रहेंगे और जब भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े होंगे। क्या लगता है कितने दिन तो कभी चलेगा आप? देखिए हमारा धरना देने और आंदोलन करने का बहुत बड़ा वो नहीं है क्योंकि हमारे विभाग का बहुत नुकसान हो रहा है और आज मार्च के महीने में जहां रेन्यू दुगुना आती है, एक टारगेट दी जाती है हर मार्च के महीने में क्लोजिंग की जाती है, बताएं सरकार किस अनुमति से किस इच्छा शक्ति से इस मार्च के महीने में लाई, हमको शंका ये लग रहा है कि ये सरकार दिखाना चाहती है कि हम मार्च के महीने में लाए और हमारा टारगेट जो था उन्होंने कम किया, इस नाते घाटा को दिखा कर वो प्राइवेटकरण करना चाह रहा है। जो मार्च महीने में जो होता है कि हमारे पूरे साल का जो टारगेट रहता है उसको पूरा करने का पूरा समय दिया जाता है और क्लोजिंग का समय होता है, इस समय इनको इस योजना को अब लागू करना ही नहीं चाहिए था और करना भी चाहिए तो ये बताना चाहिए कि हम प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं, अगर प्राइवेटीकरण है तो आज ही लेना है, आज क्यों हमसे काम करवा रहे हैं, हम काम करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो क्यों हमसे साल भर से 24 घंटे 18 घंटे बिजली दिलवाने का कराते, कम संसाधन में बिजली व्यवस्था हम लाएँ 18 घंटा रूरल में 24 घंटा, आप बताइए शासन की जो भी मंशा है हम पूरा कर रहे हैं, वित्त की पैसा हो रेन्यू का पैसा हो हम शासन जो भी टारगेट हमको देती है थ्रू रेट के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। आगरा के लोग उदाहरण ले रहे हैं कि आगरा हम प्राइवेट किए तो हमको फायदा, आगरा से 1.5 रुपया फायदा हमारा गोरखपुर दे रहा है, तो किस बेस पर आप प्राइवेटीकरण कर रहे हैं? वहीं कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल का संज्ञान लेते हुए कहा कि किसी भी बिजली कर्मचारी को ना ही हटाया जाएगा और ना ही निकाला जाएगा। कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संदर्भ में कहा, उन्हें इसलिए नहीं करना चाहिए, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कहीं भी कुछ ना हटाया जाएगा ना निकाला जाएगा, सरकार अच्छा जनता के लिए जो सुविधाजनक काम हो वो करने जा रही है, हम अपने किसी भी अधिकारी कर्मचारी जो हमारा एम्प्लॉयर है उसे कोई नुकसान करने की मंशा से नहीं है, अब तो चाहेंगे कि उन्हें ये हड़ताल नहीं करनी चाहिए, विषय को समझ लेना चाहिए।